लेसन है वो लेसन आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 102। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 102। द स्कॉलर्स मदर टंग। तो बच्चों स्कॉलर्स मीन क्या है? तो स्कॉलर्स मीन ऐसा पर्सन जो हाईली एजुकेटेड हो। तो हम लिखेंगे स्कॉलर्स मीन जिस व्यक्ति के अंदर हाईली क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन होता है, उसको स्कॉलर कहा जाता है। मदर टंग, मदर टंग मीन्स हमारी मातृभाषा जो हम भी बोलते हैं। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक। अ लर्न पंडित वांट्स विजिट कोर्ट ऑफ द अकबर। तो मैंने बच्चों अभी आपको सिखाया स्कॉलर एंड लर्न। लर्न मीन्स बच्चों क्या? अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। ऐसा पर्सन जिसमें लॉट ऑफ नॉलेज हो, यानी कि वो सब जो सभी जो नॉलेज हो वो जानता है। तो अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक दिन जो नॉलेजेबल पर्सन था, मीन्स पंडित था, वो अकबर के दरबार में विजिट में आया। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. यानी कि he told the अकबर। तो बच्चों कौन था ही? वो पंडित था। तो पंडित ने अकबर को, अकबर courtiers, courtiers means दरबारी। तो वो जो पंडित था वो अकबर एंड दरबारियों को ये कहा, he had mastery over many different languages. यानी कि सभी जो लैंग्वेज होती है उसमें मैं बहुत निपुण हूँ, मास्टरी मीन्स निपुण। ऐसा बच्चों किसने किया था? तो वो जो पंडित ने किया था। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स आराम से। सभी जो लैंग्वेजेस थी वो आराम से बोल सकता था। He was so fluent that, fluent means आराम से, that no one could find out what his mother tongue was। यानी कि वो इतने आराम से सभी लैंग्वेज बोलता था कि कोई भी उसकी मदर टंग पहचान सकता नहीं था। He challenges everybody. बच्चों turn the page. He challenges everybody at the court to name his mother tongue. Challenge means किसी को challenge करना। तो बच्चों ये जो पंडित था, जो highly educated पंडित था, वो सभी को ये challenge की कि he challenges everybody at the court to name his mother tongue. तो ये जो पंडित था वो सभी को ये challenge की कि आपको मेरी मदर टंग ढूंढनी है, मीन्स बतानी है। तो बच्चों ये जो पंडित था वो की मीन्स अकबर को और उसके जो दरबारी थे उसको कहा। वेन एवरीवन थे, जब सभी फेल हुए, यानी कि कोई ढूंढ नहीं सका था। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। अब ये जो किंग था, मीन्स अकबर था, उसको इतना तो पता ही था कि जो बीरबल था वो ये जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर सकता है। तो वो जो किंग था वो अब ये जो चैलेंज थी वो बीरबल को दी। दैट नाइट फॉक्स बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम। दैट नाइट मीन्स उसी रात बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम। और उसी रात वो जो बीरबल था वो जो पंडित के रूम में शांति से भी चुपके से गया। When he was asleep, means he, means जो पंडित था वो सो गया था। He whispered into the पंडित's ear.
whispered me softly, मीन शान से पंडित ear, मीन पंडित के जो कान थे वहां गया. And tickle, tickle means गुदगुदी करना. He tickled it with a feather, feather means पंख, जो 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 birds के जो पंख होते उसको कहा जाता है. That night Birbal went quietly to the Pandit's room. उसी रात जो बीरबल था वो शांति से मीन चुपके से पंडित के रूम में गया. He was asleep. वो जो पंडित था वो जब सो गया था तो वो बीरबल जो बीरबल था वो चुपके से उसके रूम में गया. He whispered into the Pandit's ear. वो शांति से चुपके से भी सॉफ्टली से पंडित के कान के पास गया. And tickle it with a feather. Tickle means गुदगुदी करना और feather means पंख, जो जो birds की जो पंख होती है उससे वो गुदगुदी करने लगा. The Pandit half awake. जो पंडित था वो उठ गया. Cried out suddenly. वो जोर से वो चिल्लाने लगा, अचानक चिल्लाने लगा. And shouted out words in his mother tongue. और वो जो पंडित था अपनी मदर टंग मातृभाषा में बोलने लगा. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. और जब वो अपनी मदर टंग में बोलने लगा था कौन बच्चों पंडित, तो वो उसी टाइम वो वहां से बीरबल निकल गया. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. बीरबल दूसरे दिन कोर्ट में आए. And told everyone there. और सभी को कहने लगा. The Pandit's mother tongue was Telugu. पंडित की मदर टंग तेलुगु है. The Pandit was surprised and accepted the truth. पंडित को पंडित था वो सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य हुआ. क्यों बच्चों? कि बीरबल को पता चल गया था कि उसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है. कि then asked Birbal, जो राजा था अकबर वो बीरबल को कहने लगा. How did you find the truth? आपको कैसे सच पता चला? तो बच्चों उसको कैसे सच पता चला था कि जब वो रात में पंडित सो गया था तो वो कहाँ गया था बच्चों? कहाँ गया था? वो पंडित के रूम में गया था और वो कहने लगा कि और वहाँ गया और पंख से पंडित के कान में गुदगुदी की और गुदगुदी के साथ साथ वो जो पंडित था वो अपने मदर टंग में चिल्लाने लगा था. बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इस मदर टंग. बीरबल ने आंसर दिया कि कोई भी डिफिकल्टी टाइम के समय पर वो जो पर्सन है बात करता है. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. A person speak only his mother tongue. यानी कि बीरबल ने ये कहा कि कोई भी पर्सन हो और डिफिकल्टी में हो तो वो अपने मदर टंग में बात करता है. He also told the king, वो king को कहा how he had यानी कि वो जो पंडित था यानी कि बीरबल था वो कैसे कैसे पंडित के रूम में गया था, वो जो सभी बात थी वो अकबर को बताई. तो बच्चों हम जो आज हम फिर से उसकी जो स्टोरी थी वो आज हम मैं आपको एक बार फिर से करती हूँ. तो बच्चों एक राज्य था. राज्य में बच्चों क्या था? तो राज्य में एक राजा था. तो राजा का नाम क्या था बच्चों? अकबर था. तो अकबर के दरबार में एक हाई जो क्वालिफाइड जो पंडित है वो पंडित आता है. और वो क्यों और वो क्यों आता है? तो बच्चों वो जो कोर्ट था जो अकबर का दरबार था उसकी मुलाकात करने के लिए आता है. तो वो जब आता है तो पंडित है वो अकबर और अपने दरबारियों को ये कहता है कि मैं सभी जो लैंग्वेज में
मास्टर हूँ, यानी कि पंडित ये कहना चाहता है कि मैं सभी जो लैंग्वेज होती है, सभी जो भाषाएं होती है, उस हर एक भाषा में आसानी से बोल सकता हूँ। He was fluent there, यानी कि पंडित ये कहना चाहता है कि आप मेरी जो मदर टंग है, जो मेरी मातृभाषा है, वो आप नहीं पता कर सकते। इसलिए जो पंडित था वो किंग मीन्स अकबर और उसके जो दरबारी थे उसको चैलेंज किया कि आपको मेरी जो मदर टंग है आपको ढूंढनी है। और इस बार जो सभी जो दरबारी थे, जो किंग था, जो अकबर, सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन सब लोग फेल हुए। लास्ट में अकबर ने ये सोचा कि ये जो काम है वो बीरबल ही कर सकता है, इसलिए ये बीरबल को काम सौंपा। जब बीरबल को काम सौंपा तब जो बीरबल था वो बहुत होशियार था। तो उसी रात जब पंडित उसके रूम में सोने गया तब चुपके से, आधी जो रात हो चुकी थी तब बीरबल चुपके से पंडित के रूम में गया और वो पंडित के कान में गुदगुदी मीन्स जो जो पिंच यानी कि जो जो बर्ड्स की जो पंख आती है उससे वो पंडित की कान में गुदगुदी करने लगा। और जब वो गुदगुदी करने लगा तब पंडित था वो आधा उठ चुका था और वो सडनली मीन्स अचानक चिल्लाने लगा और वो अपनी मदर टंग मातृभाषा में बोलने लगा। इस तरह से बीरबल को पता चला कि उसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है और उसी टाइम जो बीरबल था वहाँ से निकल गया। बाद में जब अगली सुबह हुई तब बीरबल दरबार में आया तब बीरबल ने अकबर और जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, सभी के सामने ये कहा कि ये जो पंडित है उसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है। जब वो तेलुगु बोला तब जो पंडित था वो आश्चर्यचकित हो गया, मीन्स उसको बहुत बहुत आश्चर्य हुआ कि उसको कैसे पता चला कि मेरी मेरी जो मदर टंग तेलुगु है। और उसी समय जो पंडित था वो एक्सेप्ट किया कि यस मेरी मेरी जो मदर टंग है वो तेलुगु है। बाद में किंग अकबर ने भी बीरबल को ये पूछा कि आपको कैसे पता चला। तब बीरबल ने आंसर दिया कि जब कोई भी व्यक्ति डिफिकल्ट में हो यानी कि उसे कुछ कुछ परेशानी हो तो वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, ऐसे मुझे पता चला। और बीरबल को पूछा तब अकबर को कहा यानी कि अकबर को सब कुछ बताया। और बच्चों बीरबल ने कि वो कैसे वो जो पंडित की जो मदर टंग है वो कैसे जाने, यानी कि बीरबल ने अकबर को ये कहा कि जब पंडित रात को अपने रूम में सोने गया था तब मैं उसके रूम में गया और पंख से उसके कान में गुदगुदी की थी। उसी समय जो पंडित था वो आधा उठा और अपनी मदर टंग में चिल्लाने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि जो पंडित है उसकी मदर टंग क्या है बच्चों, तेलुगु है। तो बच्चों आज हम ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तब मैं आपको लिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू अकबर्स कोर्ट। तो बच्चों हमने अभी भी सीखा कि अकबर के दरबार में कौन आया था। तो बच्चों अकबर के दरबार में एक हाई क्वालिफाइड मीन्स लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, वो कैसा क्लेम किया था। तो वो जो पंडित था वो ये कहना चाहता था कि मैं सभी जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह जान सकता हूँ यानी कि जानता हूँ। नेक्स्ट हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी, उसने सबके साथ क्या चैलेंज की। तो बच्चों हमने अभी इस जो लेसन में सीखा कि ये जो पंडित था वो ये चैलेंज किया कि आपको मेरी मदर टंग क्या है वो ढूंढ के बतानी है।
क्यों बच्चों? क्योंकि वो जो पंडित था वो सभी जो लैंग्वेज थी वो एक एक ही तरह से अच्छी तरह से बोल सकता था, इसलिए उसने ये चैलेंज किया कि मेरी मदर टंग क्या है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक, व्हाट इज योर मदर टंग, तो हम लिख सकते हैं कि माय मदर टंग इज गुजराती। टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, आपको अपनी मदर टंग में क्लास में जोक्स करने हैं। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हो? यदि जानते हो तो यस लिखना है, नहीं जानते तो नो लिखना है। यदि आपको बच्चों हमें यस यस ही लिखना है क्योंकि हम हमारी मदर टंग के अलावा इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, तो हम इस तरह आंसर कह सकते हैं कि यस आई नो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में जोक्स जानते हो? यदि जानते हो तो यस लिखना है, नहीं जानते तो नो लिखना है। टेल योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है। और हम देख सकते हैं बच्चों लेट्स लिसन, देखो बच्चों नीचे लेट्स लिसन, यहाँ एक एडवर्टाइज के रूप में हमें एक एक्टिविटी दी है। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइज ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट ग्रो इन ब्राइट द एडवर्टाइजमेंट। हमें हमारी जो फेवरेट एडवर्टाइजमेंट है वो रेडियो या टीवी के माध्यम से सुननी है और हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, हमें एक जो राइट साइड जो बॉक्स है वहाँ हमें वहाँ ड्रॉ करना है और लिखना है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको हमारी जब अगली वीडियो आएगी तब मैं आपको लिखाऊंगी, तब तक आपको फिर से घर पर एक बार ये जो लेसन है वो आपको रीड करना है। बच्चों थैंक यू।